छातापुर विधानसभा सीट से AIMIM प्रत्याशी आलम डीलर ने शनिवार को क्षेत्र के कई गांव पहुंचकर कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के मतदाताओं से वोट मांगते हुए क्षेत्र में विकास करने का भरोसा दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने छोटी छोटी सभाओं को संबोधित भी किया। आलम डीलर ने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और बांध विहीन गेरा मिर्चैया नदी में बांध का निर्माण करना एवं सुरसर नदी का बांध मरम्मत करवाना उनका पहला प्राथमिकता रहेगा। साथ ही क्षेत्रों के विकास के लिए भी तेजी से काम करेंगे। हमारे बीमारों के लिए स्वास्थ्य केंद्र, ये कभी ये काम उन मुद्दों पर बात नहीं करेगी। वो बात करेगी कभी राम मंदिर पे, तो कभी बाबरी मस्जिद पे, कभी कश्मीर के दफा 370 पे, तो कभी एनआरसी और सीएए पे, कभी जो है पुलवामा पे और कभी दिल्ली के दम पर। ये सारी जो है ये सारी उनके कच्ची सड़कों पे घूम करके लोगों की जो है मदद कर रहे हैं और लोगों को दिल सीना से लगा रहे हैं और उनका काम पूरा कर रहे हैं। ऐसा नेता चाहिए जो हमें समाज के हर एक तबके और हर एक आदमी का ख्याल रख सके, जो हमारे हिंदू का भी साथ दे सके, जो हमारे मुसलमान का भी साथ दे सके, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सोच सके। मैं हिंदुस्तान के अंदर अमन को चाहता हूँ, जो प्यार और मोहब्बत की सरकार हो, ऐसी सरकार हमें चाहिए। और फैसला हम सबको करना है कि छातापुर में हम किस पार्टी को कामयाब करेंगे। आइए हम सब कोशिश करें और मेहनत करें, इस बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिहार के जनताओं के द्वारा एक इतिहास रचा जाए कि बिहार के जनताओं ने सही फैसला लिया और वहां पे नीतीश कुमार जी भी और बीजेपी को वहां से निकाला है। ये फैसला हम सबको करना होगा और अगर हम ऐसा करते हैं तो पूर्व बिहार जो बदनाम है आज तक, यकीनन बिहार को एक अच्छे नाम से याद किया जाएगा इस बार के विधानसभा इलेक्शन के बाद। और इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी को पता देना पड़ेगा कि हमें एक ऐसा ऐसी सरकार चाहिए, हमें एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो बिहार के अंदर उद्योग खोल सके, जो बिहार के नौजवानों को रोजगार दिला सके, जो बिहार के अंदर बीमारों के लिए हॉस्पिटल खोल सके, जो बिहार के अंदर हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज का इंतजाम कर सके। हमें ऐसी हुकूमत चाहिए और हमें ऐसा होना चाहिए। मैं तमाम आप लोगों से जो यहाँ पे मौजूद हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को इस बार बिहार के अंदर जरूर सिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि तुम हुकूमत के लायक नहीं हो, तुम मुख्यमंत्री के लायक नहीं हो, तुमने बिहार की अपनी जनता को धोखा दिया है और हर एक हिंदुस्तान के उन तमाम माँ बहनों और भाइयों और बुजुर्गों को धोखा दिया है जिन्होंने गठबंधन के नाम पर तुमको वोट किया था। लेकिन इस बार हमें पूरे बिहार के अंदर एक ऐसी पार्टी उभर के सामने आई है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के तमाम जनता के इंसाफ दिलाने की बात कही है और जो कर भी रही है और करेगी भी, वो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन से इत्तेहादे मुस्लिमीन। और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादे से इत्तेहादे मुस्लिमीन यहाँ पर एनआरसी और सीए के नाम पर जो बिल लाया जा रहा है, ये सरासर हिंदुस्तानियत के हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुस्तान के तमाम जात और धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों के खिलाफ है और ये कानून हिंदुस्तान में कभी नहीं चलेगा। क्या कोई ऐसे एमपी या सांसद या कोई ऐसी पार्टी है जिन्होंने इस बिल के खिलाफ कोई जोर आवाज उठाई हो? अगर उठाई है तो आप हमारे सामने वो सबूत लाकर दिखाएं कि आज ये बिल है आपके लिए एनआरसी में और सीए के नाम पे और एनआरसी के नाम पे आपके सामने जो है आए आपके मोहल्ला में क्या उन्होंने जो है रैलियां करवाई एनआरसी के खिलाफ में, चाहे बीजेपी ने रैलियां करवाई, चाहे जो है कांग्रेस ने रैलियां करवाई, चाहे उसके अलावा और जो पार्टियां उन्होंने रैलियां करवाई, इसकी मुखालफत की नहीं की। सारे लोग अंदरूनी तौर पर सब एक है और कहीं न कहीं वो हिंदुस्तान की जमहूरियत को कमजोर करना चाहते हैं, हिंदुस्तान से मानवता को खत्म करना चाहते हैं और हिंदुस्तान के अंदर चौधरी कायम करना चाहते हैं। लेकिन इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव यह आपको फैसला लेना है कि क्या हमें ऐसे परशुराम को वोट करना है जिन्होंने बिहार के तमाम जनता से वोट लेकर इतिहास की बुनियाद पर, महागठबंधन की बुनियाद पर सारे लोगों ने, सारे साथी बरादरी के लोगों ने आज बन करके आरजेडी कांग्रेस और जेडीयू को वोट दिया था सिर्फ इसलिए यहाँ पर बीजेपी को हराया जाए और बीजेपी को बिहार से बाहर निकाला जाए। लेकिन उन्होंने इन तमाम आवाम की तवक्को
आज भी आरजेडी का झंडा बड़ा पसंद है, उस चक्का को गाड़ी पर बैठाइए, जिनबंदी ले जाइए, शेरशाह आबादी ले जाइए, बेरिया क्रमान ले जाइए, कुसरे राजी ले जाइए, छातापुर के अगल बगल चुन्नी उन्नी में ले जाइए और पता लगाइए कि वहां हवा किसकी चल रही होती है। अरे हवा में कौन होती है? और हवा तेज चलती तो लाइन चल क्या होता है? अरे बोलो बाबा, इतना तो समझ है ना? हवा तेज चल रही है पतंग उड़ेगी, हवा तेज चल रही है लालटेन बुझेगी। और रहा मसला लालटेन का, एक बात बता देता हूं, इससे पहले जहूर भाई खड़े थे, 65,000 वोट लाए, कितना वोट लाए?